जोर से करिए, मुष्टि बदन जो है अपने अंगुलियों को जोर कर दे, अपने अंगुल पड़ेंगे फिर। देखिए कैसा कर रहे हैं, हाँ जैसे आप कुछ पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए जैसे आप कुछ पकड़ रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। कल चार्ट आप लोग देख लीजिए, बोलिए चार्ट में देखिए लिखा हुआ है क्या करना है। आप साथ साथ करते रहो, जो देख रहे हो करते जाओ, बच्चे मत देखो टीवी की तरह। जो भी आप योगा में करो बाएं फिर दाएं दोनों तरफ करना, बैलेंस करना, दाएं फिर बाएं, हाँ सूर्य का चक्र की तरह ऐसा करिए। देखिए कितना सुंदर मुलायम हो रहा है, तेज नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि किसी नस में खिंचाव पड़ जाए। जितना प्यार से कर सकते उतना प्यार से करिए। संस्कृत नाम बोलो, इसे कहते हैं कोनी नमन। ये जो एल्बो को इसको कोनी बोलता है हिंदी में, आप लोग जानते हैं ये नमन, इस संस्कृत में बोलते हैं इसको। आप लोग साथ करते जाओ भाई, देखो अभी तभी कहा था जल्दी खा लेना। हाँ करो करो, हाँ स्पाइनल ट्विस्ट, अपना रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना होता है। देखिए हाँ पूरे चेस्ट ये देखिए, इसमें हमारा लंग्स लंग्स खुल से हो जाता, छोटा हो जाता, ऐसा करने से हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, जगह मिलता है, वो सांस ले सकता है, तो पेट भर भर कर सांस लेना चाहिए, ताकि उसको ऑक्सीजन का कमी नहीं होता और उनको शरीर बहुत अच्छा होने लगता है। हाँ देखिए पूरा पीछे की तरफ देखिए, हाँ ऐसा करिए, देखिए सांस ऊपर लीजिए, पेट को भर लीजिए, जैसे मैं कह रही थी, दिल का छोड़ते जाइए। हाँ हैंड रोटेशन, हैंड रोटेशन। अब बाजू में जो आपका जो फ्रंट दो स्वर, बैकवर्ड पीछे की तरफ, आगे फिर पीछे दूसरा, हाँ बैठे रहते हो अपने कुर्सी में बैठ के कई टाइम कर सकते हो, कुर्सी में स्टूल वगैरह में पीछे नहीं तो हाथ चिपक जाता, लग जाता है। तब पहले दोनों एक साथ, हाँ अभी दोनों एक साथ रखिए, दोनों आगे देख लीजिए, जैसे आप लोग पानी में वो करते हैं तैरते हैं, हाँ ये उल्टा वाला है पीछे की तरफ। ये छाती का देखिए, वेस्ट रोटेशन, कमर का ये देखिए, इसमें आपको कमर में दर्द में बहुत आराम होता है। देखिए औरत उधर दौड़ फ्लैट हो जाए, ये शैलो आज चलो ना पहले, आस्ते आस्ते घुमाइए पूरा पूरा जाता है, उंगली में से जान निकल जाता है।
और जो उंगली का बुरा हालत होता है शुगर पेशेंट के लिए उंगली नमन बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। एक एक उंगली को भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते पहले पांचों करो बाद में एक एक करके घुमाया करो हिलाया करो, तो ये शुगर पेशेंट के लिए और पैंक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज करिए एंटी क्लॉक करिए दोनों पैर का एक पहले दाएं पैर फिर बाएं पैर। गुल्फ नमन ये है गुल्फ नमन ये हमारा जो उसको 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 गुल्फ कहा जाता है जवान लोग कर सकते हैं बहुत अच्छा। और लड़कियां जो अपने थाई को सुंदर करना चाहते हो चर्बी को निकालना चाहते हो लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर जाते हो वो लोग देखो आपको जंगा बहुत सुंदर हो जाता है और जंगे में ताकत आता है और एक स्ट्रक्चर लेता बहुत बढ़िया और घुटना को बहुत अच्छा कर देता है। ये आपका घुटना का देखिए ये तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए घुटना और कमर का दोनों इकट्ठा एक्सरसाइज होता है। देखिए क्लॉकवाइज करना चाहिए एंटी क्लॉक्स करना चाहिए। सूर्य नमस्कार आप लोग पूर्णानंद जी का ही देखते होंगे प्रणाम आसन तुम भगवान पूर्व की तरफ देख के भगवान सूर्य देव को प्रणाम करिए। हस्त उत्थान आसन पद हस्त आसन अश्व संचालन आसन पर्वत आसन अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार जो हम लोग करते हैं अपने बड़ों को देखिए कमर को ऊंचा करना चाहिए कमर को जमीन पे नहीं चढ़ना होना चाहिए जब प्रणाम करते हैं तो सूर्य नमस्कार अब उसका रिवर्स होगा पर्वत आसन अश्व संचालन आसन इसमें पैर बदल जाता है फिर पद्महस्त आसना फिर हस्त उत्तान आसना आप लोग जानेगा दिन भर में आप लोग प्रणाम करते हैं बॉडी का ये हो गया सूर्य नमस्कार रिलैक्स 12 स्टेप्स सर्कल पूरा बारह स्टेप हैं और ये आप सारा दिन में आप समझिएगा कुछ भी करिए ये 12 आसन तो आप लोगों को करना ही पड़ता है जैसे हमने एक बार दिखाया ऐसा 12 बार करना चाहिए। अब आसन करें स्टैंडिंग आगे स्टैंडिंग आसन हां अभी खड़ा होके जो करना है आप लोगों को खड़ा होके करना है ताड़ासन। देखिए ये आपको पांच उंगली को ऊपर एकदम खड़ा हो जाना है और बॉडी को ऊपर को खींचो तो आपका पेट के बड़ा सुंदर शेप आ जाता है कमर का और चाहे उसका और आपका सारा बॉडी तो पांच उंगली पे वेट रहना चाहिए एक समय में दो उंगली पे भी आ जाता है। त्रिअवतार आसन और ब्रीदिंग टा बोले तो सांस लेते हुए पोजीशन जाना है फाइनल छोड़ते हुए फाइनल करोगे तो सांस ब्रीदिंग नॉर्मल था जब अब आसन में जाएंगे उस दिन भी मैंने बोला था जब आसन में जाएंगे सांस को पूरा भर लीजिए पेट में जितना सांस आप भर सकते हो यानी आपका भीतर भरी होना चाहिए उसके बाद सांस छोड़ते छोड़ते आस्ते आस्ते उस आसन को पूरा करना है खत्म करना है हमेशा कभी भी किसी आसन में जाती है देखिए
आसन नाम बोले बड़े त्रिअवताड़ासन तो ये त्रिअवताड़ासन है। दाएं बाएं हो जाते त्रिकोण आसन। अब आप देखिए त्रिकोण आसन इसमें आपका जो इधर ये क्यों बोले कुछ की टट्टी ये कमर का जो जॉइंट है कि पैर को जब फैलाएंगे तो कमर का जितने पैर के नीचे का इसे देखिए ये देखिए आपको रीढ़ की हड्डी से लेके कितना बेंड होता है जितना भी शरीर में जो जॉइंट्स हैं हड्डियाँ हैं ये बड़ा सुंदर होते हैं। लेकिन सांस को भर लीजिए पहला वो पेट भर लीजिए फिर आप जब वापस आओगे आस्ते आस्ते आके देखो ऐसे जैसा आपने आसन में प्रवेश किया था ऐसे ही आप आसन से बाहर निकलिए। ये देखिए सांस भर लिया फिर आस्ते आस्ते सांस को निकलते जाओ फिर उसी पोजीशन में आ जाओ। जल्दी नहीं करना आसन में कुछ देर तक स्टे करना चाहिए कुछ देर तक रुकना चाहिए। साइड फैट साइड जितना भी फैट है आप लोगों का ये सब निकल जाएंगे। देखिए खींचो खींचो सांस को भरे रखना सांस खाली नहीं करना अंदर से ऐसा खींचते जाना हाथ को दाया वाला को बाएं तरफ जाएंगे तो फिर बाएं हाथ को खींचते जाएगी दाया तरफ बाया। देखिए सारा आपको बहुत बढ़िया करेंगे जितना एक्स्ट्रा फैट है ना आपको बॉडी में पेट के आसपास ये सब खुजल जाएंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा त्रिकोण आसन बोले जाते हैं इसको जो लोग साइटिका का प्रॉब्लम में है वो ना करो उनको नहीं करना चाहिए जिनको साइटिका का पेन है। चक्रासन भी नहीं करना चाहिए साइड के वालों को। देखिए ये साइड का नाप वहीं से जो दो उंगली है ना वृद्धा उंगली वहीं से पास करता है। हाँ कितना पीछे जा सकता है उतना बढ़िया ये सब पकड़ो खूब टाइट करके ये अर्ध चक्रासन दो स्टेज में एक हल्का था एक भारी था पूरा बॉडी आधा बॉडी जो है पीछे की तरफ जाएंगे दो उंगली को ऊपर दोनों वृद्धा उंगली उसको रीढ़ की हड्डी को पकड़ के रखता है। बोला अगर बैलेंस नहीं होता है तो वॉल के आगे कर सकते हैं धीरे धीरे जो पुराना समय कह रहा जो बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो वॉल का सहारे भी कर सकते हैं। अब शुरू करो बोले बाघहस्तासन बोलते बोलते नहीं देखे नोटों को पूछ किया ये बाघहस्तासन है ये घुटना में अपने नाक को देखो एकदम घुटना का जो जान लग गया दोनों के साथ उसको बीच में नाक का रखा है तो जो नाक एकदम सेंटर में रखे और देखिए इसको कहते बड़ा कठिन है भी इसका भी दो है स्टेज बड़ा मुश्किल होता है आदमी का आँख दम खुला रहता है इसमें क्योंकि पेट को दम से भर लेना चाहिए ना ठीक है अच्छा दुई कौन आसन सांस बढ़ते जाना सांस बढ़े रखो ना खाली पेट में नहीं जाना। ये देखिए तो भाई पुनानंद बहुत जल्दी किया है लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे करिए शुरू में उनका तो अभ्यास है रोज करते हैं दो टाइम करते हैं। ये वृक्षासन ये ध्यान के लिए आगे जमाने में अपने मुनि ऋषियों को उनके फोटो जरूर देखा है एक पैर में खड़ा होकर साधना कर रहे हैं। साधना और साधना कर सिद्धि करना और बच्चों को पढ़ाई में
पास होने के मूर्ख बच्चा भी इस तरह से ध्यान करे माता सरस्वती की, तो कभी बुद्धू नहीं हो सकता, उसको ब्रेन डल नहीं हो सकता है, ये ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है। अगर जमाना ऋषि मुनि पानी में खड़ा होके पर्वत में चढ़ के ऐसा ऐसा कठिन कठिन जगह में जाके आसन करके साधना करते थे, मतलब जाप करा करके करते थे, ये एडवांस है। देखिए एक बात, आसन एडवांस है, ये थोड़ा कठिन होना है, थोड़ा शुरू शुरू में ना मत करो, पहले करो बाद में ये करो। नटराज आसन, हाँ देखिए इधर साइड को देखो बेटा, अच्छा ऊपर जो ना ये नटराज आसन कमर में जो उसका सर्वाइकल का नंबर सर्वाइकल जिसको है वो आस्ते आस्ते करिएगा, इसे कमर का दर्द एकदम खत्म हो जाता है। पहले दाया पैर को करके फिर बाया पैर को।